समाजी तंजीम वी इंडियन ने बंगाल के वोटरों से बीजेपी का विरोध करने और टीएमसी उम्मीदवारों को वोट देने का आह्वान किया है। कोलकाता प्रेस क्लब में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान वी इंडियन के कोऑर्डिनेटर मोहम्मद मुमताज चार चांद ने कहा कि जुमलेबाजी करना बीजेपी की आदत है। सोनार बांग्ला बनाने की बात सबसे बड़ी जुमलेबाजी है। ये सिर्फ आवाम को धोखा देने की कोशिश है, लेकिन बंगाल के 9.5 करोड़ आबादी समझदार है, इनके धोखे में नहीं आएगी। उन्होंने कहा कि नोटबंदी के चलते 167 लोगों की मौत, किसान आंदोलन में 300 किसानों की जान जा चुकी है। इन सब के कातिल मोदी और अमित शाह हैं। आज हिंदुस्तान की सारी दौलत बीजेपी और गुजरातियों के पास सिमट कर रह गई है। 39 गुजराती देश का हजारों करोड़ रुपए लेकर विदेश भाग चुके हैं। ये एक जुमला अदा किया था, इस तरह से धोखा दिया गया। और आप कहते हैं कि सोनार बंगला बनाएंगे, जो एक महाजुमलाबाजी है। सिवाय आवाम को धोखा देने के सिवा और कुछ भी नहीं है। लेकिन बंगाल के आवाम, बंगाल के 9.5 करोड़ आवाम अकलमंद है, बुद्धिमान है, इनके धोखे में नहीं आएंगे। हमारा बंगाल जो पहले से ही सोनार बंगला है, और कलकत्ता शहर तो सिटी ऑफ जॉय कहलाता है। हमारे यहाँ मगरबी बंगाल से वाबस्ता चार शख्स नोबल इनाम याफ्ता का इजाज बंगाल को हासिल है, जिसमें 4-4 शख्स है। गुजरात को क्या हासिल है? एक भी आपको नोबल इनाम याफ्ता गुजरात को नहीं मिलेगा। मोदी अमित शाह गुजरात को कुछ भी नहीं। ये जो गुजराती 9.5 करोड़ बंगाली को अपना गुलाम बनाना चाहते हैं यहाँ के, लेकिन 9.5 करोड़ बंगाली को वो लोग बेवकूफ समझते हैं। वो बेवकूफ नहीं है। यहाँ के तहजीब तमद्दुन, यहाँ की सकाफत, यहाँ का जो कल्चर है, यहाँ की संस्कृति को बिल्कुल तहस नहस तबाह बर्बाद कर देना चाहते हैं ये लोग। हम 9.5 करोड़ बंगाल में बसने वाले बंगाली वो ऐसा करने नहीं देंगे। मोदी और अमित शाह के दिल में सावरकर और गोलवालकर बसते हैं, और बंगाल की धरती में कदम रखकर वो उनको स्वामी विवेकानंदा, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, नेताजी सुभाष चंद्र बोस उनको याद आते हैं। एक बहरूपिया से और क्या उम्मीद की जा सकती है? 2014 में इलेक्शन जीतने के बाद नोटबंदी का अचानक ऐलान कर दिया गया, सरमायादारों की झोली भर दी गई और मिडिल क्लास और लोअर क्लास को कंगाल बना दिया गया। लोगों ने अपनी रकम बैंकों में जमा रखी थी, किसी की बेटी की शादी तय थी, वो शादी नहीं कर पाए, किसी ने अपने बच्चों की तालीम के लिए रकम जमा रखा था, कॉलेज में दाखिला नहीं कर पाए, अफरा तफरी का आलम मच गया था। इसी अफरा तफरी के आलम में 167 इंसानों की जाने गई। वो जो 167 इंसानों की जो मृत्यु हुई जाने गई, उस इंसानों का कातिल है नरेंद्र मोदी। उस 167 इंसानों की जो मौत हुई उसका कातिल है नरेंद्र मोदी और अमित शाह। उसके बाद बगैर होमवर्क के जीएसटी लागू कर दिया गया। बहुत सारे मिडिल क्लास और लोअर क्लास के छोटे मोटे कारोबारी खत्म हो गए। किसानों की मर्जी के खिलाफ फार्मर लॉ पास कर दिया गया, जो कि किसान मुखालिफ है। फार्मर लॉ का मतलब है कि किसानों को जानवर की तरह चाबुक से हकाकर अंबानी और अडानी के अस्तबल के भूसे में बांध देना। किसान अंबानी और अडानी के राह कर्म पर जिएंगे। किसानों की जमीन तो अपनी होगी, लेकिन हुक्म अंबानी और अडानी का चलेगा। किसानों की जमीन हड़प करने का मंसूबा है। किसानों ने फार्मर लॉ के खिलाफ आंदोलन शुरू किया तो मोदी और अमित शाह उनके साथ जानवर जैसा सुलूक किया। तो इस किसान आंदोलन के दौरान 300 से ज्यादा किसानों की जाने गई। इन 300 जो किसानों की जाने गई है, इसका कातिल सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी और अमित शाह है। मोदी और अमित शाह इंसानियत के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, मानवता के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। 90 की दहाई में एक गुजराती हर्षद मेहता, जो आप सब जानते होंगे, करोड़ों रुपए का घोटाला और फ्रॉड किया था, और आज नीरव मोदी और मेहुल चौकसी जैसे 39 गुजराती बैंक के घोटाले में मुलव्वस हैं। यहाँ तक के मोदी सरकार अपने गुजराती भाइयों के बैंक के कर्जे माफ कर देती है। आज
हिंदुस्तान की सारी दौलत, आज हिंदुस्तान की सारी दौलत भारतीय जनता पार्टी और गुजरातियों के पास सिमट कर रह गई है। भारतीय जनता पार्टी के पेशवा सावरकर और गोलवालकर हैं। सावरकर और गोलवालकर की पूरी ये नजरिया है कि लंबी हुकूमत करने के लिए हुकूमत मजबूत से मजबूत तर हो और आवाम कमजोर से कमजोर तर हो। सावरकर और गोलवालकर के नजरिए को भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी और अमित शाह अमली जामा पहना रहे हैं। और सावरकर समझने की बात है, और सावरकर और गोलवालकर का पेशवा कौन है? इन लोगों का पेशवा है हिटलर और मुसोलिनी। इस मौके पर सामाजिक कारकुन सूफिया खान ने कहा कि 2014 के बाद भारत बदल चुका है, राजनीति बदल गई है, मीडिया सच्चाई नहीं दिखाती है, सीए और एनआरसी पर देश भर में विरोध प्रदर्शन हुआ, किसान प्रदर्शन कर रहे हैं, हर कोई सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहा है, लेकिन बीजेपी सरकार तानाशाही कर रही है, किसी की बात नहीं सुन रही है, इसे बदलना होगा। इलेक्शन होती थी, ऑपोजिशन होते थे, मैंने होती थी, विकास की बातें होती थी, किसने क्या किया नहीं किया, मीडिया भी इसको बहुत हद तक उठाती थी, लेकिन आज 2014 के बाद सारी सिनेरियोस बिल्कुल डिफरेंट है। मीडिया कुछ दिखाती नहीं है, विकास की बात होती नहीं है। हमें पता है कि राष्ट्र में जो है सिर्फ हिंदू मुसलमान को लेकर या ऐसे कई मुद्दों को लेकर जो बिल्कुल भी गैर जरूरी है, लोग देश में हमें पता है कि कोरोना आने से पहले सीएनआरसी को लेकर कितना ज्यादा प्रोटेस्ट हुआ इस देश में, जिसको बिल्कुल भी जैसे कहते हैं कि जूही तक ना रहना, सरकार की जूही तक ना रहती शाही बात में जो हुआ, पूरे देश में कोने कोने में शाही बाग बना रहा, लेकिन फिर भी कोई भी हमसे बात करने नहीं आया, खासकर क्वारंटीन जो थी हमसे कोई भी बात करने नहीं आया। वो तो कोरोना आने की वजह से जो है प्रोटेस्ट को खत्म करना पड़ा, वरना शायद अब तक ये प्रोटेस्ट चलता रहता और अब तक इस तरह से आज किसान भाई हमारे 3-4 महीनों से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनसे भी कई किसान जो है उनकी जाने चली गई, कई जो है परेशानी हाल में, चूंकि किसानों का काम है कि वो हमारे लिए अनाज पैदा करे, वो छोड़कर अगर वो आज हर बॉर्डर, दिल्ली की हर बॉर्डर में बैठे हुए हैं और प्रोटेस्ट कर रहे हैं, फिर भी क्या ऐसी बात है जो तानाशाही है, जो सरकार इतने लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, किसान प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हिंदू मुसलमान प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हर लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उसके बावजूद भी इनको ऐसा लगता है कि इनकी सरकार को दस्त से मस्त नहीं किया जा सकता, इनको हिलाया नहीं जा सकता। खैर, इनका कॉन्फिडेंस के पीछे बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जिसमें एक कारण मेरे हिसाब से लगता है कि ईवीएम की सेटिंग हो जाना, अगर ये वाकई में ये बातें सच है तो इस कॉन्फिडेंस के पीछे इनका ये कारण हो सकता है। दूसरा बात है, आज हम तो यहाँ पर मौजूद हैं, मौजूदा हालात हमें लगाए